प्रिय विद्यार्थियों, प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन के अंतर्गत आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त के परिप्रेक्ष्य में, जिन्हें हम प्रायः आरसी दत्त के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 13 अगस्त सन 1848 को कलकत्ता के रामनगर में हुआ था और कहा जाता है कि इनका दत्त परिवार काफी प्रतिष्ठित परिवार के रूप में उन दिनों जाना जाता था। इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई और 1868 में रोमेश चंद्र दत्त, एस एन बैनर्जी और बिहारीलाल गुप्ता जी के साथ लंदन चले गए और 2 वर्ष के उपरांत वे ICS के लिए चयनित हुए। 1871 में अलीपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और इस दरमियान राहत अधिकारी के पद पर, जिला अधिकारी के पद पर और ओडिशा के डिवीजन कमिश्नर के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। 1897 में वे सेवा से पृथक हुए और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। एक सिविल सर्वेंट के रूप में तो उन्होंने अपना प्रतिभा का परिचय तो दिया ही था, इसके बाद एक आर्थिक विचारक और बंगाली साहित्यिक विचारधारा के प्रचार और प्रसार में उनका कार्य बेहद महत्वपूर्ण रहा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान होने वाली शक्ति विहीन आर्थिक स्थिति की उन्होंने बखूबी व्याख्या की और इस व्याख्या में उन्होंने भारत के किसानों की दशा को विशेष तौर पर हाईलाइट करने का कार्य किया। इतिहास चाहे किसी भी युग का हो, हमने इतिहास के अध्ययन में देखा है कि किसानों की दशा अच्छी नहीं रही और शोषण का सबसे अधिक शिकार अगर कोई हुआ तो वह कृषक ही था। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल के दौरान किसानों की निराशाजनक स्थिति को हाईलाइट किया, जो राजस्व की उच्च दर थी उसको भी उन्होंने रेखांकित किया और यह भी बताने का प्रयास किया कि जिस तरह से 19 सेंचुरी में ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत औद्योगिकरण हुआ, उसका क्या इफेक्ट किसानों पर पड़ा, जब जब अकाल का प्रभाव रहा उसका इफेक्ट किसानों पर क्या रहा, इस बात को भी उन्होंने एक ऐसे विश्लेषक के रूप में हम देखते हैं कि प्रथम विश्लेषक रोमेश चंद्र दत्त थे जिन्होंने इन बातों को सामने लाने का कार्य किया और बहुत सारा इनका लेखन भी हमें देखने और जानने को मिलता है। इंग्लैंड एंड इंडिया 1897 में उन्होंने लिखा, फेमिन्स इन इंडिया 1900 में उन्होंने लिखा, थ्री इयर्स इन यूरोप 1872 में इन्होंने लिखा, लिटरेचर ऑफ बंगाल 1877 में इन्होंने लिखा और अनेक ऐतिहासिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे, जिनमें बंग विजेता, माधवी कंकड़, राजपूत जीवन संध्या, महाराष्ट्र प्रभात का नाम मुख्य रूप से आता है। इसके अलावा 2 सामाजिक उपन्यास भी रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया, जिनमें समाज 1885 और संसार 1893 प्रमुख हैं। इन्होंने ऋग्वेद का बांग्ला ट्रांसलेशन भी किया तथा रामायण और महाभारत पर अंग्रेजी में पोएट्री भी इन्होंने लिखी। इस तरह साहित्यिक क्षेत्र में इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा, लेकिन चूंकि हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं इसलिए हमारा ध्यान रोमेश चंद्र दत्त की जब भी चर्चा करें तो इस ओर जाना चाहिए कि इन्होंने भारतीय इतिहास के लेखन के क्षेत्र में क्या विशेष तौर पर योगदान दिया। जब इस दिशा में हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी एक प्रमुख पुस्तक की ओर हमारा ध्यान जाता है, ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, जो कि 3 खंडों में उनके द्वारा लिखी गई थी। उनके इस पुस्तक के बारे में
सिस्टर निवेदिता का भी मत यह था कि यह पुस्तक भारत और पूरे संसार के समक्ष राष्ट्रीय गरिमा का एक प्रकटन या आलोकन था। साथ ही साथ इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा जाता है कि रमेश चंद्र दत्त की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी वह भी सामने आई और इस पुस्तक को उन्होंने प्राचीन काल के परिप्रेक्ष्य में जो अतिशयोक्तिपूर्ण दावे थे उससे मुक्त रखने का उन्होंने प्रयास किया और तर्कयुक्त और वैज्ञानिक इतिहास लेखन जिसे कहा जाता है उस इतिहास लेखन को प्रेजेंट करने का कार्य रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया। एक संतुलित प्रकृति के अंतर्गत इस पुस्तक का उन्होंने लेखन किया, इसीलिए तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी हिंदुओं को यह पुस्तक नहीं भाई, जो वैदिक जीवन के सांसारिक पक्ष की बजाय आध्यात्मिक पक्ष को अधिक महत्व दिया करते थे। इसके अलावा सन 1904 में दो खंडों में उन्होंने आर्थिक इतिहास का लेखन किया जिसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के बाद यह पहली पुस्तक थी जिसने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला था। बड़ी गहनता के साथ ब्रिटिश शासन की प्रकृति की छानबीन रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी और इसके पीछे जो आधार लिए गए थे, जो सोर्स लिए गए थे, वे थे कॉरेस्पॉन्डेंस, जो संसदीय पत्र थे उनको लिया गया, जो आधिकारिक रिपोर्ट थी उसको आधार बनाकर उन्होंने सांख्यिकी सामग्री के साथ इसको प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो संचालित है उसका उद्देश्य दोहरा है और ब्रिटिश उद्योग धंधे के लिए रॉ मटेरियल को प्राप्त करना और जो इंग्लैंड के कल कारखानों में सामान निर्मित हो रहा है उनके लिए भारत में बाजार की तलाश करना, यानी उत्पादों की खपत किस प्रकार हो, इसके मद्देनजर तत्कालीन ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कार्य कर रही थी। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से यह भी सुझाव दिया कि घरेलू शुल्कों और सैन्य व्यय को उन्होंने गलत ठहराया और छटनी और कटौती के लिए वित्तीय सहायता की उन्होंने सलाह दी तथा भारत में निर्धनता क्यों थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों हो रहा था, इसको भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलनकारियों को रमेश चंद्र दत्त ने अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से एक आर्थिक मंच प्रदान करने का कार्य किया। रमेश चंद्र दत्त का देहावसान 30 नवंबर सन 1909 ईस्वी को हो गया, लेकिन उनका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्षेत्र में जो कार्य था वो आज इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए, यानी हम सबके लिए बेहद अनुकरणीय है। थैंक यू।